वायरस संक्रमण काल से केंद्र व राज्य सरकारें राशन कार्ड धारकों के लिए खजाने का पिटारा खोले हुए हैं, जिन्हें तगड़ी सहायता प्रदान कर रही है। इसी बीच अगर आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है और आज इसे सक्रिय रखने का सोच रहे हैं तो फिर कुछ जरूरी बातों को जान ले। सरकार राशन कार्ड को लेकर नए नए नियम बनाती रहती है, जिन्हें इग्नोर करना आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। अगर आप भी राशन कार्ड का लाभ लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी देर नहीं करें और नए नियम को जान लें, जिससे किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। राशन कार्ड वितरण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है, जिसका मकसद पात्रों तक लाभ को पहुंचाना है। अगर आपको सरकारी स्कीम के तहत फ्री राशन का लाभ मिल रहा है तो फिर अब आपको भी कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार नए नए नियम समय समय पर बनाते रहती है, जिसका पालन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में इस नए नियम के बारे में बताते हैं। दरअसल अगर आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है तो फिर सरकार की नई गाइडलाइन का पालन अवश्य कर ले, क्योंकि इग्नोर करने पर आप लाभ से वंचित रह जाएंगे, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने अब राशन कार्ड से आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया है। इसके लिए तय तारीख भी रख दी है, जिससे पहले हर हाल में यह काम करवाना होगा। अगर आपने लेट लतीफ की तो फिर छूट जाएंगे। राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने राशन कार्ड के साथ आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख तय कर दी है। इस काम के लिए पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 तय की गई थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने अब राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए 31 दिसंबर 2023 तय कर दी है। आपने तय तारीख तक यह काम नहीं करवाया तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राशन का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर कतई भी देर नहीं करें। और सरकार लंबे समय से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन का लाभ दे रही है, और इस योजना का लाभ करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोग उठा रहे हैं, जो किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होगी। आपको बता दें कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमानुसार कोई व्यक्ति राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराता है तो फिर उस शख्स का नाम आराम से लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जिसके बाद गेहूं, चावल, चीनी और तेल का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप जन सुविधा केंद्र जाएं और फटाफट यह काम करवा सकते हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।